Hello everyone, welcome to All In Inspired Corner. In last session, we discussed exercise part 1 from the chapter The Best Christmas Present in the World. In that session, we discussed comprehension checks and working with the text. In this session, we will discuss working with language. Let us start. Look at these sentences from the story I spotted it in a junk shop in Bridport. The man said it was made in the early 19th century, this one was in a bad condition. the italicized verbs are in the past tense. they tell us what happened in past before now. जो ये sentences दिए हैं story के इनसे पता चलता है कि जो भी घटना घटी है जो भी event हुआ है वो past में जो, या पहले ही हो चुका है. read the passage. Below and underline the verb in the past tense. A man got on the train and sat down. The compartment was empty except for one lady. She took her gloves off. A few hours later, the police arrested the man. They held him for 24 hours and then freed him. A week पैसेज दिया हुआ है इससे आपने पास टेंस की वर्ब्स को अंडरलाइन किया है और मैंने आंसर में ब्लू कलर से पास्ट टेंस की वर्ब्स को लिखा है कि जिससे एकदम से क्लियर हो जाए कि कौन सी पास टेंस की वर्ब्स है आंसर अ मैन गॉट ऑन द ट्रेन एंड सेट डाउन द कंपार्टमेंट वॉज एम्पिटी एक्सेप्ट फॉर वन लेडी शी टुक हर ग्लव्स ऑफ

The veneer had lifted almost everywhere. Both fire and water had taken their toll on this desk. Notice verbs, forms had lifted, had taken their tolls. The author found and bought the desk in the past. The desk was damaged before the author found it and bought it. फायर एंड वाटर हैड डैमिस्ड द डेस्क बिफोर द ऑथर फाउंड इट एंड बॉट इट अब जो सेंटेंसेज दिए हैं इसमें हैड टेकन लगा हुआ है ये भाई हैड टेकन किसने देखा हुआ और उस पहले वाले सेंटेंस में हैड लिफ्टेड लगा हुआ है ये हेड लिफ्टेड क्यों है अब देखो इसका मीनिंग सेंटेंसेज का ऑथर ने एक डेस्क पहले समय में खरीद देखा और खरीद लिया परंतु उसके खरीदने से पहले ही क्या था ये डैमेज हो चुका था और ये किससे होता फायर और वाटर से ये डैमेज हो चुका था मतलब पहले ही खराब होने का इवेंट खरीदने से पहले हो चुका हुआ था वी यूज इन द अर्लियर पास्ट इफ देर आर टू इवेंट्स इन पास्ट वी यूज The हैड फॉरम for the event and occurred first in the past. अगर मतलब दो इवेंट्स है और जो इवेंट पहले खत्म होता है पहले हुआ होता है उसमें हम हैड को लगाते हैं और बाद वाले और इसको हम क्या बोलते हैं अर्लीअर पास्ट होता है जो पहले वाला इवेंट होता है वो अर्लीअर पास्ट होता है उसमें हम क्या लगा देते हैंड का प्रयोग करते हैं वी ऑल्सो यूज द पास्ट परफेक्टेंस टू शो दैट समथिंग वॉज विस्ड फॉर और एक्सपेक्टेड बिफोर अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट फॉर एग्जाम्पल आई हैड ऑलवेज वॉन्टेड वन अब ये पास्ट परफेक्टेंस है और इसमें क्या है कि जो कोई हमने सोचा हुआ था कोई बात होती है वो पहले समय से पहले ही पूरी हो चुकी होती है डिस्कस विथ योर पार्टनर द डिफ्रेंस द मीनिंग इन द सेंटेंस बिलो वेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट वेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट आप देखो दोनों सेंटेंस है इनमें दोनों में मीनिंग अलग है जब मैं स्टेशन पे पहुंचा गाड़ी गई और दूसरे में क्या वेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट जब मैं स्टेशन में पहुंचा तो उससे पहले ही गाड़ी जा चुकी थी दोनों के में मीनिंग अलग है जब मैं स्टेशन तो तब गई और दूसरे में क्या है पहले ही जा चुकी थी इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स इन द ब्रैकेट अब वर्ड्स दिए हुए हैं ब्रैकेट्स में उनसे करेक्ट फॉर्म्स उनकी वर्ब्स की करेक्ट फॉर्म भरनी है फिलिंग ब्लैंक्स फिलअप ब्लैंक्स में और जो मैंने अब आपको स्लाइड में दिख रही होंगी ब्लू कलर से कुछ वर्ड्स फिलअप्स भरे हुए हैं वो सभी के सभी क्या करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स हैं जो कि ब्रैकेट में वर्ब्स दी हुई है उनकी मैंने करेक्ट फॉर्म्स लगाई है माय लिटिल सिस्टर इज वेरी नोटी व्हेन शी डैश ये ब्लैंक दिया हुआ है फिर है ब्रैकेट में कम कम की कौन सी फॉर्म आएगी सेकेंड केम बैक फ्रॉम स्कूल यस्टरडे शी हैड फिर ब्लैंक दिया हुआ है अब बैकेट में वर्ब के फॉर्म है टियर हर ड्रेस मतलब टॉन आएगी हेड लगा है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी टॉन वी फिर ब्लैंक है फिर आस्क आस्क आएगी सेकंड फॉर्म आएगी हर हाउ इट हैड फिर हैपन है तो हैपन की कौन सी आएगी थर्ड फॉर्म हैपंड शी फिर आएगी से की, सेड और फिर शी के साथ फिर ब्लैंक दिया हुआ है पर हैव इक्वल दो तो, verbs दी हुई है तो हैव और क्वल की हैड bitten, विद द बॉय शी है तो इनकी फॉर्म आई verb की had bitten. Him in a रेस एंड ही फिर हैव ट्राई दिया हुआ है ब्रैकेट में तो, तो हर. She, फिर दी है ब्रैकेट में have tell, had टोल्ड टीचर एंड सो हीट में थी हैड फॉलन है जहा सब्जेक्ट के बाद वी हुआ है तो वहां कौन सी फॉर्म लगी वैकेंड पर जहां सब्जेक्ट के बाद हैड लगा है वहां पर वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है थर्ड फॉर्म आ रही है नंबर थ्री अंडरलाइन द वर्ब्स एंड अरेज दैम इनटू टू कॉलम्स पास्ट और अर्लीअर पास्ट आप नीचे सेंटेंसेस दिए हुए हैं इनमें से हमने कौन से अंडरलाइन करनी है वर्ब्स को और पास्ट और अर्ली पास्ट में लिखना है मैंने यहां पर जो वर्ब्स हैं उन्हें टू कलर्स में लिखा है डार्क ब्लू और लाइट ब्लू जो डार्क ब्लू है वो पास्ट को इंडिकेट कर रही है वर्ब्स और जो लाइट ब्लू हैं वो अर्लियर पास को इंडिकेट कर रही है माई फ्रेंड सेट आउट टू सी देशन बट आई स्टेट एट होम बिकॉज आई हैड सीन दम ऑलरेडी सेट आउट और स्टेड ये क्या है पास्ट को शो कर रही है तो ये क्या है और जो लाइट ब्लू वाला हैड सीन ये अर्लियर पास्ट को शो कर रहा है

दे सेट आउट साइड एंड एट द लंचार्क ब्लू से है और हेड पैक लाइट ब्लू से लिखी थी और ये अर्लीअ पास बाय द टाइम आई रिटर्न दे हैड फॉलन ए रिटर्न किस को कर रही है ये रिटर्न कर रही है पास्ट को हेड फॉलन किसको कर रही है अर्लीअर पास्ट को अब अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है पास्ट और अर्लीअर पास्ट का टेबल बना हुआ है अब पास्ट में कौन-कौन सी वर्ब्स आई थी सेट आउट स्टेट अरराइव केम बैक सेट एट और रिटर्न और अर्लीअर पास्ट में आई थी हैड सीन हैड लेफ्ट हैड गॉन हैड पैक्ड और हैड फाइन अब हम डिक्शनरी वर्क की बात करेंगे हमने रेमेडियल टीचिंग में क्या-क्या था डिक्शनरी स्किल्स की डिटेल डिस्कशन की थी अब आपने उस डिस्कशन को ध्यान में रखना कि क्या-क्या किया क्या क्या था हमने बाय द एंड ऑफ द जर्नी वी हैड रन आउट टू ड्रिंक वाटर लुक एट द वर्ब रन आउट ऑफ दी सेंटेंस इट इज अ फ्ज़ल वर्ब इट हैज टू पार्ट्स अ वर्ब एंड एंड एडवर्ब फिफरेंट फ्रॉम द मीनिंग ऑफ देयर पार्ट जो वर्ब्स के साथ जिसमें प्रेपोजिशन या वर्ब लग जाती है एडवर्ब लगता है तो वो कौन सी हो जाती है फ्रेजल वर्ब्स हो जाते हैं और इनका मीनिंग बदल जाता है फाइंड दीज फ्रेजल वर्ब आउट लाइट अप लुकऑन Run out, keep out. Write down the sentences in which they occur. Consult a dictionary and write down the meaning that you think matches the meaning of the phrasal verbs in in the sentences. अब आपको डिक्शनरी स्किल आपकी चेक होगी. आपको ये जो वर्ब्स दिए हैं, फ्रेजल वर्ब्स आपने क्या करना है? डिक्शनरी में इन्हें ढूंढना है और इनके मीनिंग भी लिखने और सेंटेंसेस भी अपने बनाने हैं आंसर करते हैं अब इसका हाउस नंबर ट्वेल्व टर्न आउट टू बी नथिंग बट अ बर्न आउट अब इसमें फर्स्ट वर्ड आया है बर्न आउट इसका मीनिंग होता है डिस्ट्रॉयड बाय फायर सेकंड वर्ड है अप अब हम इस वर्ड को लेंगे

फोर्थ वर्ड है रन आउट द टाइम केम एंड ऑल टू सून वेन द गेम वॉज फिनिश्ड द स्नैप्स एंड द रम एंड द हैड लॉन्ग सिंस रन आउट एंड वी न्यू इट ऑल ओवर रन आउट का मतलब होता है बिकम यूज और फिनिश्ड लास्ट वन है कीप आउट हैंड वॉल्ड आई लुकड ऑन एंड चीय क्लैपिंग आवर स्टैंपिंग कोल्ड एज मच एनी आउट का मतलब होता है टू एवॉइड अब हम बात करेंगे नाउन फ्रेज की रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आई टुक आउट अ स्मॉल Black tin box. The phrase in italics is a noun phrase. It has the noun box as the head word and three adjectives preceding it. Notice the order in which the adjectives occur. Size. पार्ट ऑफ स्पीच में मैंने आपको बताया था ना जितने भी साइज होते हैं वो क्या होते हैं अर्जेक्टिव होते हैं कलर्स भी सारे के सारे अर्जेक्टिव होते हैं अब देखो क्या है इसमें साइज स्मॉल फिर कलर ब्लैक मटेरियल ये भी अर्जेक्टिव है टेन ऑफ विच इट इज मेड वी रियरली यूज मोर देन फोर अर्जेक्टिव बिफोर अ नाउन एंड देर इज नो रिजर्ड ऑर्डर इन विच दे आर यूज्ड दो देयर इज प्रेफर्ड ऑर्डर ऑफ अ मोडिफायर एडजेक्टिव्स इन अ नाउन फ्रेज़ इज गिवन बिलो अब देखो कि चार से ज्यादा बहुत कम नाउन में लगते हैं और नीचे एक टे। अब अगली स्लाइड में टेबल दिया हुआ है जिसमें इनको बताया हुआ है अब कैसे जैसे अब क्या है अब जरूरी नहीं कि हम फीलिंग को लगाएंगे अ टॉल लाइट कॉटन यहां पर टेबल चेयर दुपट्टा कुछ भी लग सकता है क्लॉथ भी लग सकता है हेडवॉस में आप और भी इनमें हेडवॉ वर्ब्स लगा सकते हैं जैसे अब कैसे एन ओल्ड लेडी वोमेन इसको आप ऐसे कर सकते हैं या अ ब्यूटीफुल ओल्ड वुमेन अ ब्यूटिफुल यंग वुमेन या अटॉल मैन या जैसे अ ब्यूटिफुल रेड कॉटन साड़ी या इसमें कर सकते हैं आप द डार्क टेबल या रेड चेयर द वाइट इसको आप अलग अलग उसमें हेडवर्ड भी आप अपने और डाल के इनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अब हम बात करते हैं आगे द टेबल दिलो कंटेन्स नाउन्स एंड सम अब टेबल दिया हुआ है इसमें कुछ नाउन्स और दिए यूज एज मैनी और आपने क्या करना है नाउन्स को डिस्क्राइब करना है

ब्लू रेड चबी लार्ज मीडियम साइज और कोल्ड अब हमने इनको इन नाउंस के साथ लगाना है अब एलिफेंट इनॉर्मस बहुत बड़ा होता है स्ट्रिप धारीदार भी हो सकता है वाइल्ड जंगली भी हो सकता है मान फेस चेयरफुल खुश रहने वाला राउंड गोल भी हो सकता है चबी गोल मटोल सा मोटा जैसा भी होता है बिल्डिंग्स लार्ज सर्कुलर मल्टी कलर्ड वॉटर ब्लू कोल्ड ऐसे ही आप और भी कर सकते हैं और भी नाउन्स के साथ खुद ही आप एडजेक्टिव्स को यूज कर सकते हैं अब हम करेंगे स्पीकिंग वर्क अब स्पीकिंग वर्क ऑनलाइन स्टडी में कैसे होगा आप हम इसकी बात भी करेंगे क्वेश्चन नंबर वन इन ग्रुप्स डिस्कस वेदर वार्स आर अ गुड वे टू एंड बिटवीन कंट्रीज ट योर आर्गूमेंट्स टू द होल क्लास क्या वहाँ किसी भी कंफ्लिक किसी भी मतभेद को खत्म करने के लिए अच्छी है या बुरी इस पर आपने अपने आर्गूमेंट्स देने और क्लास अब आजकल हमारी क्लासेस कैसे हो रही है ऑनलाइन तो आ हमने करना होल क्लास में तो जब आप गूगल मीट या किसी और लाइव क्लासरूम में क्लास लेते हो तो आप इसको डिस्कस कीजिए नंबर टू what kind of present do you like and why what are the things you keep in your mind when you buy present for other discuss with your partner for example you might buy a book because it can be read and reread over a period of time present तो आप क्या सोचोगे कैसा लेना चाहिए अब भाई क्वेश्चन में कि आप अपने पार्टनर से डिस्कस कीजिए पर आप आजकल कहाँ हो अपने घर पर हो तो इस क्वेश्चन को आप अपने पेरेंट्स के साथ अपने भाई बहनों के साथ ब्रदर सिस्टर के साथ डिस्कस कीजिए और इस तरह से अपने स्पीकिंग वर्क को कंप्लीट कीजिए और अपने स्पीकिंग स्किल डेवलप कीजिए लेट स्टार्ट राइटिंग वर्क इमेजिन दैट यू आर जिम यू हैव रिटर्न टू योर टाउन आफ्टर अ वॉर इन योर डायरी रिकॉर्ड हाउ यू फील अबाउट द चेंज यू सी एंड द इवेंट्स दैट अकर इन योर टाउन यू कुड बिगिन लाइक दिस 25th December 1919 it's christmas today but the town looks aap लुक्स आप जिम हो और आपको aage से aapko आ गए तो आपको डायरी रिकॉर्ड करने कैसे लिखोगे आप और आपको उसकी स्टार्टिंग दी हुई है या yeah, क्या क्वेश्चन है सपोज यू आर द विजिटर यू आर इन अ डालिमा यू डोंट नो वेदर टू डिस्क्लोज योर आइडेंटिटी एंड द ओल्ड लेडी और लेट हर बिलीव दैट हर डियर जिम हैज कम बैक राइट अ लेटर टू अ फ्रेंड हाईलाइटनिंग योर फियर एंड फीलिंग और आप विजिटर हो और आप ओल्ड लेडी से मिलने आ रहे हो और वो आपको जिम सोच रही है अपने हस्बैंड और अपने फीलिंग्स अपने डर अपने विचारों को कैसे अपने फ्रेंड को लिखोगे आप ये लिखना है आपने अब हम फर्स्ट पहले डायरी लिखते हैं ट्वेंटी फिफ्थ दिसंबर इट्स क्रिसमस टूडे बट द टाउन लुक वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम दैट आई हैड है It has been revived by war. Buildings are in ruins, and there is graveyard silence. My town, my own house, burnt when it was hit by a bomb. Armament. The events of war have taken a toll of civilians as well as soldiers. I hate the fighting. Instinct in us and curse the war makers, mongers. Can't we live in peace like brothers? Ab hum karenge letter ki. 12 A block 4, Dorset, August 10, 2009. Dear Smith, I am in dilemma. It seems to be insolence insolvable i therefore seek your help in making a decision you know i had purchased an old desk inside it i got a box containing an old letter it was written by jim a british soldier to his wife i decided to deliver that letter to mrs jim at brickport i reached her house she was 101 years old when I gave her the letter, her eyes lit up. She thought I was her long lost husband, Jim, who had come home to keep his promise. She was excited and she kissed me. She didn't listen to what I tried to tell her about my identity. I don't know whether or not I should tell.

excited to the andaman nicobar Iceland by the british. exit to the andaman and nicobar Iceland by the british. in famous cellular jail. prisoners tortured. revolt by inmates. doctor hanged. wife waits for his return. बिकम्स ओल्ड कंटिन्यू टू वेट विथ होप एंड फेथ आप देखो आउटलाइंस दिए हमने ये स्टोरी कंस्ट्रक्ट करनी है हमने स्टोरी कंप्लीट करनी है इट वॉज ईयर नाइनटीन थर्टी इंडिया वॉज ब्रिटिश कॉलोनी बट इंग्लिश एजुकेशन इनलाइटन अ सेक्शन ऑफ पीपल दे स्टार्टेड फाइटिंग फॉर फ्रीडम A young newly married doctor was implicated in a cons conspiracy case. He was sent to Blackwater, Kalapani. It was a group of Iceland in the Bay of Bengal. Many freedom fighters and revolutionaries were sent there for life. They were put in cellular jail for a few years. They were subjected to torture. The doctor was hanged, but his wife kept waiting for the return of her husband. She grew old. However, her hope and faith did not fade. Thank you, students.